देश में अब तक कई नाभिकीय विस्फोट किए जा चुके हैं। इनमें से सबसे पहला विस्फोट 18 मई 1974 में राजस्थान के पोखरण नामक रेगिस्तान में किया गया था। इस विस्फोट का श्रेय देश के जाने माने वैज्ञानिक राजा रमन्ना को जाता था। इन सब कार्यों की नींव डालने का श्रेय डॉक्टर भाभा को जाता है, क्योंकि देश में नाभिकीय कार्यों की नींव डॉक्टर भाभा ने ही डाली थी। डॉक्टर राजा रमन्ना की अब पहली सफलता नहीं थी, देश के कई नाभिकीय रिएक्टरों में उनके कार्यों का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने अप्सरा, साइरिस, पूर्णिमा आदि नाभिकीय रिएक्टरों की स्थापना में योगदान दिया है। राजा रमन्ना का जन्म 28 जनवरी 1925 को हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा बैंगलोर में हुई थी। लंदन विश्वविद्यालय से पीएचडी करने के बाद उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में प्रोफेसर पद का भार संभाला। इसके बाद उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद का भार संभाला। सन 1966 में वायु दुर्घटना में भाभा की मृत्यु के बाद उन्होंने देश के नाभिकीय ऊर्जा का कार्यभार संभाला। पोखरण में नाभिकीय ऊर्जा का परीक्षण रमन्ना साहब की विचारधारा का ही परिणाम था। यह भूमिगत परीक्षण शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया गया था। इसमें यह देखा गया कि डायनामाइट की तुलना में यह विस्फोट कितना प्रभावशाली सिद्ध होगा। इस परीक्षण के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि देश में नाभिकीय ऊर्जा को पालतू बनाकर अपने शांतिपूर्ण कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है, साथ ही साथ इसके कोई कुप्रभाव भी नहीं होंगे। वास्तव में नाभिकीय ऊर्जा को शांतिपूर्ण कार्यों में प्रयोग करने का बहुत बड़ा परीक्षण था यह। साथ ही साथ इस परीक्षण में यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि नाभिकीय ऊर्जा डायनामाइट की तुलना में कई गुना अधिक प्रभावशाली होती है। शांतिपूर्ण कार्यों में नाभिकीय ऊर्जा को प्रयोग करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद रमन्ना ने कई वर्षों तक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर रहकर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का कार्यभार संभाला। उनका मुख्य कार्य नाभिकीय विखंडन के क्षेत्र में रहा। ध्रुव रिएक्टर को बनाने में भी उनका विशेष हाथ था। राजा रमन्ना को अब तक कई मेडल और पुरस्कार मिल चुके हैं और साथ ही देश के 3 बड़े सम्मान पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। वो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। उनके संगीत में विशेष रुचि है। वो देश के जाने माने पदों पर आसीन रहे हैं। देश को परमाणु शक्ति के क्षेत्र में ऊंचा उठाने में उनका विशेष योगदान रहा है। 24 सितंबर 2004 को इस महान वैज्ञानिक का मुंबई में देहांत हो गया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इस तरह की तमाम रोचक और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिकल इंडियंस को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को टैग करें ताकि आप हर अपडेट पर बने रहें और आपको हर अपडेट मिलता रहे। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।